जियो फोन हम सबके पास है और काफी ज्यादा पॉपुलर फोन है ये। सभी हम सब इस जियो फोन को यूज करते हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि जियो फोन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है हैंगिंग का, और उसके साथ जो प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं वो है नेटवर्क फ्लक्चुएशन का। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आप नेटवर्क को देखिए, ये अप एंड डाउन कॉन्स्टेंट हो ही रहा है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा और इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं रवनिंग फुटेज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूअर्स, जियो फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम और हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस फोन को वाईफाई से कनेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला है। मैं आपको बताऊंगा कि हैंगिंग प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे फ़ोन में सारा जो मेमोरी हो फुल हो जाता है, जिसके कारण से फ़ोन हमारा हैंग होना शुरू हो जाता है, खासकर जो रैम मेमोरी है वो फुल अगर हो जाता है। तो मेरे केस में 60% रैम मेमोरी यहाँ पर फ्री है, तो इस हाल में फ़ोन का जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से ही हैंग हो रहा है। और उसके अलावा मैं यहाँ पर फ़ोन भी ट्राई कर रहा हूँ, ये लग नहीं रहा है। और उसके बाद अब ऊपर अगर देख रहे हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ पर कंटिन्यू दिखा रहा है, क्योंकि अब जैसे देख रहे हैं नेटवर्क यहाँ पर फ्लक्चुएट होता ही जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है उसका जो है एरिया प्रोवाइडर, जो आपका जो जियो का जो नेटवर्क है वो सही से नहीं आने के कारण ये नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। इसके लिए मैंने कस्टमर केयर से बात भी किया है, उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन मुझसे लेकर उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये तो रही दो अलग अलग बातें, जिसमें से एक बार फ़ोन हैंग हो रहा है, दूसरा बार नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कोई भी यहाँ पर बटन काम नहीं कर रहा है। इस हिसाब से मुझे लास्ट ऑप्शन जो बनता है वो होता है हार्ड रिसेट का, उसे मैं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है वो फ़ोन को मैं रिसेट करके देख, तो अगर आपका फोन हैंग हो, नेटवर्क फ्लक्चुएट हो, तो सबसे पहला स्टेप आप करें कि रिसेट करके एक बार देख लें। अगर आपका फोन रिसेट होने के बाद अगर प्रॉपरली वर्क करने लगे तो फिर सही है, अगर नहीं होगा तो उसके लिए मैं हार्ड रिसेट का भी ऑप्शन आपको बताऊंगा। अगर आपको हार्ड रिसेट करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि अगर आपका फ़ोन हैंग हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप आपको रिसेट करना है, उसके बाद अगर वो भी नहीं होता है तो हार्ड रिसेट करना है। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरे केस में हुआ, यहाँ पर नेटवर्क फ्लक्चुएट होना शुरू हुआ है एक साथ हैंगिंग के साथ साथ, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम अगर आपके लिए हो रहा है, आपके फ़ोन में फ्लक्चुएट हो रहा है कंटिन्यूसली, तो सबसे पहले आपको कस्टमर केयर में बात करना होगा। कस्टमर केयर में बात करने के बाद आपका एरिया का पूरा डिटेल्स आपको देना होगा और कस्टमर केयर ही इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। तो अब हम ये देखें कि मेरा फ़ोन जो कि हैंग हो रहा है और नेटवर्क भी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो रिसेट करने के बाद ये क्या सही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, जी हाँ, ये बिल्कुल सही हो गया है। ये मैंने प्रॉब्लम पहली बार ही देखा, तो ये मैं इसका रिकॉर्डिंग करके आपको बताया कि इस तरह से इसका सोल्यूशन हो सकता है। अगर इसका भी सोल्यूशन अगर नहीं हो रहा है, आपका फ़ोन बार बार हैंग हो रहा है या फिर नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं हार्ड रिसेट का वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही देखते रहें रवनी इन्फोटेक। We'll be right back.